दोस्तों आईपीएल के सेकंड लेग में मैंने एमपीएल पर फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने लाखों रुपए जीते थे। तो अब वर्ल्ड कप के दौरान मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप भी वर्ल्ड कप में एमपीएल पर फैंटेसी टीम बना करें, आप भी मेरी तरह लाखों रुपए जीत ले। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की अब रिटेंशन पॉलिसी आ जाने के बाद अब सभी आईपीएल टीमों ने अपने रिटेन प्लेयर के नाम अनाउंस कर दिए, जहां पर कुछ टीमों ने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया जबकि कुछ टीमों ने अब मेगा ऑक्शन से पहले केवल 3 प्लेयर्स को जबकि कुछ टीमों ने केवल 2 प्लेयर्स को अब रिटेन किया। मैं इस वीडियो में आपको सभी 8 टीमों के आपको कंफर्म रिटेन प्लेयर के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा मेगा ऑक्शन से पहले आखिर सभी टीमों ने कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल के सेकंड लेग में मैंने एमपीएल पर फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने 20 फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने 6 लाख रुपए जीते थे, और अब वर्ल्ड कप में ही मैं एमपीएल पर हर एक मुकाबले में अब 20 टीमें बनाकर लाखों रुपए जीतूंगा। आज के मुकाबले की मैंने 19 टीमें बना दी, 20वीं टीम आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, एमपीएल पर अब यहां पर इंडियन मैच के दौरान आप 2 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो, और आप यहां पर 35 रुपए डिपॉजिट करके आप 1000 रुपए का यहां पर कैशबैक प्राप्त कर सकते हो, और यहां पर आप फ्री में टीम बनाकर भी लाखों रुपए जीत सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर विनर्स के भी नाम देख पा रहे होंगे, तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एमपीएल डाउनलोड करके आप भी अपनी विनिंग शुरू कर दे ताकि आपका भी यहां पर विनर की लिस्ट में नाम आ जाए। अब हम बात करते हैं कि मेगा ऑक्शन से पहले यहां पर सभी टीमें कितने प्लेयर्स को रिटेन करेगी, कौन सी टीम कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी। तो बीसीसीआई ने ये कंफर्म कर दिया था कि मेगा ऑक्शन में अब एक टीम को 90 करोड़ रुपए मिलेंगे, और 90 करोड़ में से अब टीमें जितने प्लेयर को रिटेन करेगी उस अकॉर्डिंग यहां पर पैसे कट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 4 प्लेयर को रिटेन करने पर 42 करोड़ रुपीस पर्स बैलेंस में से कट हो जाएंगे, 3 प्लेयर्स को रिटेन करने पर 33 करोड़ रुपीस पर्स बैलेंस में से कट हो जाएंगे, और 2 प्लेयर्स को रिटेन करने पर 24 करोड़ यहां पर पर्स बैलेंस में से कट हो जाएंगे, और अगर कोई टीम केवल 1 प्लेयर को रिटेन करती है तो 14 करोड़ रुपीस उस टीम के पर्स बैलेंस में से अब कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन सी टीम ने आखिर कौन से प्लेयर को रिटेन किया। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सीएसके की मैनेजमेंट की, तो सीएसके की टीम 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। इनमें नाम आता है कप्तान एमएस धोनी का नाम आता है, रविंद्र जाडेजा का नाम आता है, फेफ डुप्लेसिस का नाम आता है, ऋतुराज गायकवाड़ का, जहां पर एमएस धोनी को 16 करोड़ में, इसके साथ ही जाडेजा को 12 करोड़ में, डुप्लेसिस को 8 करोड़ में, इसके साथ ही गायकवाड़ को यहां पर 7 करोड़ में अब ये टीम रिटेन करेगी। इन प्लेयर्स को परचेस करने के बाद इस टीम के पर्स बैलेंस में से 42 करोड़ रुपीज कट हो जाएंगे, और 48 करोड़ में इस टीम को यहां पर बचे हुए 21 प्लेयर को मेगा ऑक्शन में से अब परचेस करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी 4 प्लेयर को रिटेन करेगी, जहां पर ऋषभ पंत को, इसके साथ ही एनरिच नोकिया को, खगेश्वर अबाड़ा को, इसके साथ ही शिखर धवन, पृथ्वी शो में से किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी, जहां पर पंत को 16 करोड़ में, इसके साथ ही नोकिया को 12 करोड़ में, रबाड़ा को 8 करोड़ में, और धवन या फिर पृथ्वी शो में से किसी एक को 6 करोड़ में अब ये टीम रिटेन करेगी। 42 करोड़ रुपीज इस टीम के पर्स बैलेंस में से भी यहां पर कट हो जाएंगे, और बचे हुए 48 करोड़ में इस टीम को मेगा ऑप्शन में यहां पर 21 प्लेयर परचेस करने होंगे। अब बात करते हैं केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम शुभमन गिल को, इसके साथ ही वेंकटेश अय्यर को, इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती को, इसके साथ ही रसल और सुनील नारायण में से अब एक प्लेयर को रिटेन करेगी। तो ये 4 प्लेयर केकेआर की तरफ से अब मेगा ऑप्शन से पहले रिटेन होंगे। ये टीम भी 48 करोड़ का पर्स बैलेंस लेकर अब मेगा ऑप्शन का भाग बनेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब की मैनेजमेंट की, तो पंजाब की मैनेजमेंट यहां पर मयंक अग्रवाल, इसके साथ ही केएल राहुल में से अब एक को रिटेन करेगी, इसके साथ ही मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि केएल राहुल का रिटेन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जहां पर केएल राहुल ने ये कंफर्म कर देगी वो मेगा ऑप्शन का भाग होंगे, इसी वजह से केवल मयंक अग्रवाल को अब ये टीम शायद रिटेन करे। तो केवल 3 प्लेयर्स रिटेन करने के बाद ये टीम यहां पर 67 करोड़ लेकर मेगा ऑप्शन का भाग बनेगी। मेगा ऑप्शन में इस टीम को 67 करोड़ में अब यहां पर 22 प्लेयर को अब परचेज करना होगा, तो एक बार फिर से बड़े अमाउंट के साथ अब ये टीम मेगा ऑप्शन का भाग बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान की टीम की, तो राजस्थान की टीम आज की तारीख की अपडेट्स के अकॉर्डिंग तो केवल 3 प्लेयर को रिटेन करेगी। इनमें नाम आता है संजू सैमसन का, नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, नाम आता है बेन स्टोक्स का, और इन प्लेयर को रिटेन करने के बाद ये टीम भी 67 करोड़ के पर्स बैलेंस से अब मेगा ऑप्शन का भाग बनेगी। तो ये टीम भी बड़े अमाउंट के साथ अब मेगा ऑप्शन का भाग बनेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की टीम 4 प्लेयर को रिटेन करेगी, जहां पर रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को और कायरन पोलार्ड को तो ये टीम रिटेन करेगी। चौथे रिटेन
कैप्टन के रूप में सूर्य कुमार यादव में से और ईशान किशन में से किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर MI की तरफ से भी चार प्लेयर रिटेन होंगे। इसके बाद 48 करोड़ के पर्स बैलेंस के साथ ये टीम भी मेगा ऑप्शन में अब 21 प्लेयर को अब परचेस करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग MI की टीम को आखिर मेगा ऑप्शन में कौन कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स को परचेस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की। तो हैदराबाद की टीम भी अब यहाँ पर तीन प्लेयर को रिटेन करेगी, जहाँ पर केन विलियमसन को, राशिद खान को और उमरान मलिक को ये टीम रिटेन करेगी 67 करोड़ के पर्स बैलेंस के साथ। अब ये टीम मेगा ऑक्शन का भाग बनेगी। मेगा ऑक्शन में ये टीम भी यहाँ पर युवा और बड़े प्लेयर्स को परचेस करके अब नई टीम बिल्ड करेगी। एट द एंड अगर हम बात कर लेते हैं RCB की टीम की, तो RCB की टीम चार प्लेयर्स को रिटेन करेगी, जहाँ पर विराट कोहली को, जबकि दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल को, तीसरे नंबर पर पाडिकल और चहल में से किसी एक को और चौथे नंबर पर AB डी विलियर्स को रिटेन करेगी, जहाँ पर विराट कोहली को ये टीम 16 करोड़ सैलरी देगी। इसके साथ ही मैक्सवेल को ये टीम 12 करोड़ सैलरी देगी, पाडिकल और चहल में से एक को 8 करोड़ रुपए सैलरी देगी, जबकि डी विलियर्स को अब केवल 6 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब ये टीम भी मेगा ऑक्शन में 48 करोड़ के साथ एक नया स्क्वाड बिल्ड करेगी। तो सभी टीमें कुछ इस तरीके से अब प्लेयर्स को रिटेन करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम को कौन से चार प्लेयर को आखिर रिटेन करना चाहिए और आपकी फेवरेट टीम को मेगा ऑक्शन में आखिर कौन से बड़े नामी प्लेयर को परचेस करना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपके लिए MPL पर मैंने अगले मैच में एक बहुत बड़ा गिव अवे रखा है। तो अगर आपने अभी तक MPL डाउनलोड करके टीम नहीं बनाई तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप MPL डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले की टीम बना ले, इसके साथ ही अपनी विनिंग शुरू कर दें।